आज कब लोग इसलिए स्टार्ट किया था, मेरे घर में ना शुरुआत में ही जू खुल चुका है मेरे यहाँ का। मोर्टिन वाले भैया भाग गए मेरे का फैन था, फिर इसे ना ऐसे पी। तो मेरे पिताजी ने ना इसे नीचे से भेज दिया, अब ना मेरे को अपर बॉडी वेट लिफ्टिंग करने दे रही है, क्या करूं मैं इसका। आधे लोग ना तेरे चक्कर में सब्सक्राइब मार रहे हैं, तेरी हरकत है ना। गए गुजरो से भी गए गुजरो। What's up guys, welcome to today's vlog. So आज है हमारा वेडनेसडे ना मैं? हाँ। यार मैं रोज भूल जाता हूँ डेट कौन सी है, डेट और डे मैं रोज भूल जाता हूँ। तो मैंने अभी पता है, मैंने अभी जब ब्रेकफास्ट कर रहा था सोच रहा था इसके बाद स्टार्ट करूंगा, बट मैंने जस्ट नाउ अभी इसलिए स्टार्ट किया। हमारी मैडम ने आज हमारे मास्टर शेफ ने देखो क्या बनाया, इसे आप कुछ भी कह सकते हो, अचार, भुनी हुई लहसुन या लहसुन की सब्जी जो इनका कहना है, लहसुन की चटनी है, चटनी तो कहीं से भी नहीं लग रही मुझे, बट हाँ चटपटी बनाई है। और एक चीज़ और दिखानी है हमारी बीवी के सस्ते नशे, हम पे सॉस रखी है, सॉस नहीं खानी, इन्हें खानी है ये चटनी। टमाटरों का इतना अच्छा उपयोग होना ना हमारे घर में, कम से कम 4 से 5 किलो सॉस बना के रख दिया इन्होंने मेरी। अरे ना देखो यहाँ तक भरा हुआ है, देख रहा होगा हल्का हल्का सा, खोल के दिखाइए जरा एक बार, मैं आपको मतलब रात तक दिखाऊंगा कितना बचा है इसमें। ये देखो ये आधा है, गारंटीड है कि रात तक ना ये बिल्कुल तली में या ख़त्म हो जाना है ना, खाएगा कौन ये। इतने सस्ते नशे चल रहे हैं इसके कि कल भिंडी भी थी, दाल भी थी, जब भी उससे रोटी खाई है इसने एक। तो गाइस जो कल की वीडियो में था वो भी आज की वीडियो में भी है कि हमें चैनल का नाम भी सजेस्ट कर दो यार, और Q&A के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो पोस्ट मारो। ओहो टमाटर पे यार, आलू के पराठे का टेस्ट बेकार कर दिया, ये टमाटर की चटनी लगा के दे दी मैंने खा। और एक चीज़ के लिए और मैंने वीडियो अभी स्टार्ट करी, देखो मैं आपको दिखा, हमारे घर में परचूने की दुकान खुली है जस्ट, नहीं नहीं हमारे छोटे भाई साहब ने खोली है। रिशु सॉस का पैकेट कितने का है, हैं क्या सॉस का पैकेट कितने का है, ऐसे दुकानदारी करेगा नहीं है। 150 रुपीज़। अबे पीछे तेरे को, अच्छा कॉफी कितने की दी है, बुद्धू की, ऐसे दुकानदारी करोगे तुम, 20 रुपीज़। बनिया के नाम, बेटा बनिया के नाम पे कलंक बनते जा रहे हो तुम, ऐसे मत करो। और तू 20 रुपए की कॉफी कौन लेगा तुझसे। आज कब लोग इसलिए स्टार्ट किया था, मेरे घर में ना शुरुआत में ही जू खुल चुका है मेरे यहाँ का। लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसी साइड में भी लगा के कैमरा स्टार्ट कर दोगे तो हमारा जब एंटरटेनमेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने तो स्टार्ट कर रखा है भाई साहब। तू कीपर है, फ्री का कीपर हमारे यहाँ का, इसलिए मैंने कैमरा स्टार्ट कर रखा है। हमारे यहाँ का जू खुल चुका है, आपको जू की पूरी हरकतें पूरे दिन की हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। ऋषि कितने का एक बेच रहा है सुन तो। अरे मोर्टिन वाले भैया भाग गए मेरे, अरे मोर्टिन वाले भैया, ओ भैया कितने का बेच रहे हो, 5 रुपए का। ये क्या ले ले बताओ, क्या है ये, कितने में बेच रहे हो। जब स्टार्टिंग में शादी हुई थी 3-4 दिन तक ना मेरे से सिंदूर लगवाया जाता था, और अभी हो रहा देखो कितने, क्या स्माइल है, वाह सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल, अब खुद पे खुद लग जाता है, लगाने का मौका नहीं दिया जाता। क्यों भाई, कमियां सब मेरे में ही है, तुम में तो कुछ है ही नहीं। ये देखो बदला लूंगा मैं भी इस चीज का, नहीं तो रहने दे। आपको पता है मेरी बीवी ना सस्ते नशे कर रही है, विटामिन सी के सस्ते नशे है ना, पता है क्या करती है इससे, विटामिन सी से ना ये फैंटासी गोली बन जाती है, फैंटा सा बन जाता है कुछ, तो गिलास लेगी उसमें देखो गोली डालेगी और बन जाएगा बस इसका फैंटा, फिर इसे ना ऐसे पी। जस्ट नाउ मैंने अभी भी इससे पूछा, जो मांग भराई की रस्म में सिंदूर डालते हुए जो तूने आंख बंद करी थी, वो तुझे नींद आ रही थी या तू फील ले रही थी। हो सकता है कि फील ले रही हो, क्या पता, हाँ अंदर से आ रहा, हाँ फाइनली, क्या पता नींद भी आ रही हो, थक गए, बट इसके आंसर दोनों में से नहीं थे। क्या था वो बता, फटाफट बोल, मैं बता। कि मैं ना जब भी ये नहीं था कि हाँ चलो फाइनली हो गया काम, इसका कहना है कि मैं ये सोच रही थी कि आंख बंद करूंगी तो ऐसा लगेगा ना फोटो में कि हाँ फील अच्छी आ रही है तो अच्छी फोटो आएंगी, क्या करूं मैं इसका। आधे लोग ना तेरे चक्कर में सब्सक्राइब मार रहे हैं, तेरी हरकत है ना। गए गुजरो से भी गए गुजरी। नीचू नहीं है वो, नहीं
देवू है वो, देख कैसे देख रहा। अबे ओ देवू में नाम बिगाड़ रहे। इसका नाम ना ढह से निकालने के लिए कहा है पंडित ने। नाम क्या रख रहे भाभी? डोडू, डोडू लग गया इसका नाम। हाँ तेरा रख दो, ढोकलू रख लेते हैं, ढोकला। तेरा भैया का नाम ढोकला रख दे। इमरती वो चढ़ गया उसपे, देख पढ़ने। चीज क्या है कि जब अभी पंडित आया था तो भाई साहब पंडित से हमने पूछा, अब पंडित कहता है इसका नाम ढह से होना चाहिए। है ऋतु दस से तो गलत रख दिया बिल्कुल, इसके नक्षत्र गलत हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने पंडित के पाठ पढ़ा गया। हाँ बताओ, सांप बना दिया उसे। मतलब इतने सारे उसमें योग और उसकी चीजें बता दी भाई साहब, बालक भी कंफ्यूज हो रहा है, वो ये कहेगी मैं पैदा हुए गलती कर दी। तो कहता ढह से नाम होना चाहिए घर वाले, कभी ढोकला कभी डोडू कभी कुछ कभी कुछ। मतलब यहाँ तक कि गूगल बाबा भी फेल हो चुके हैं, उन्हें भी बेबी नाम सजेस्ट नहीं कर पाए अभी तक। फैन नहीं हो फैमिली है भाई लोगों, यार आप ही बता दो ढह से नाम, मारो कमेंट, इसे बताओ, इसे इसे भी नहीं मिला, कैसी चाची है तू। अभी मेरी मोहतरमा ने बताया कि रियांश का एक होमवर्क है, क्या है मैडम बताओ? पेंटिंग करनी है उसके ऊपर, या तो पेरेंट्स कर सकते हैं और उससे कलर करवाना है। और रियांश को ऐसे मास्क पहना के खड़ा करके उसके आगे फोटो खींचनी ऐसे, गो करोना गो करोना। रिशु का ना होमवर्क है कोरोना के ऊपर, उसे कुछ पोस्टर पास्टर बनाना है। तो भाई साहब इसकी मम्मी चाची या इसकी बुआ तीनों के तीनों क्या कह रहे हैं, मेरे गले में कोरोना टांग देंगे, उसके हाथ में देने के सैनिटाइजर मुझे मारेंगे। है भाई मुझे कोरोना बना, गो कोरोना। तू कैसे हट गई? नहीं नहीं बता, अभी तू कुकू कुकू उसके यहाँ खेलने में लगे पड़े हो तुम दोनों, बेचारे को सोने मत दियो, आराम से लेटने मत दियो। ओए मैं सोने दो बेचारे को, लेटने दो तसल्ली में। मुझे तो कभी कभार इग्नोर ऐसे मारा जाता है, दाल मखनी में या बिरयानी में हो जाती है ना लौंग या इलायची, उसे निकाल के साइड डाल दो, ऐसा काम कर दिया जाता है कभी कभार मेरे साथ। चलो ये देखो ये जबरदस्ती पल जब नहीं बस टेढ़ा कर रहे हैं, खुद पलटा है पूरा। ए ए ओ हाय रालू, इधर को गिरेगा इधर को, कहीं ना कहीं का तो जाना ही है उसे, वरना ये रह जाएगा थक के। आप देखो कितने स्ट्रांग है इसके, पलट गया तू, पलट गया मैं, पलट गया। अच्छा बैठो, मम्मी बस मेरा गुड बॉय, थैंक यू। हाँ बॉडी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बॉडी का है वो वाला, रहने दो वो वाला, रहने दो वो, रहने दो वो, रहने दो। इतना स्ट्रॉन्ग भी मत बन भाई, लो बॉडी दिखाओ, चलो अब डबल बाइसेप्स। ये यहाँ पर हम इसके लिए ना मॉस्किटो रेपेलेंट मंगा रहे हैं, बट ये इसे परेशान करने वाला कपड़ा है। देखो सुनो, एक कॉम्बो है येरा मॉस्किटो रेपेलेंट का, वो मंगा लो दो पैकेट, इसमें दो अलग डालने के बजाय ये दो कॉम्बो, 6 रुपए बच जाएंगे हमारे। हाँ तो कर लो ना। ये देखो क्या कर रहा है, मतलब पूरी पूरी चादर उतार दी भाई ने। यहाँ पे हम इसके लिए ऑर्डर कर रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ पे अंगूठा पी रहा है, वो भी एक नहीं दो दो, पूरे हाथ है पूरा नहीं ऐसे करके। कितनी उंगलियां भाई दिखाई दे रहा है? वाह चारों गिली हुई पड़ी है तेरी, तो तेरी तो देबू, तेरी पिटी कर दूं मैं, काट ले काट ले, हाथ में देख चिपटा। हमने मामा अर्थ खोली थी सिर्फ इसके छोटे के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट लेने के लिए,
अरे ये भाई साहब मेरे को पौड़ी ये दे दो, किट दिला दो, ये देख लो, वो देख लो, कुछ खोल दो, फिर उसके बाद मेरे पे ये भी है वो भी है, है भाई देखो खा ले निकाल इसके मुंह से। मतलब इसे हाथ नहीं मिला तो चादर चाहिए, चादर नहीं मिला तो इंसान भी खा जाएगा क्या? देख खा ले ना, क्यों छोड़ दिया? खा ले मोबाइल भी, खा ले मेरी उंगली, गंदा लड़का, ले खा ले मेरी उंगली, खा ले। सो फाइनली हमने जो मॉस्किटो रेपेलेंट था और मेरा आफ्टर शावर हेयर क्रीम थी पैराशूट की और एक दो चीज रितिका के लिए मंगानी थी तो वो हमने ऑर्डर कर, पहले हमने सोचा था कि मामा अर्थ से ऑर्डर करते हैं, बट मामा अर्थ में क्या था कि 500 रुपये का कैश बैक उसके वॉलेट में जा रहा था। फिर हमने नायका पे चेक किया, नायका पे और फ्लिपकार्ट पे हमें 100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था तो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया फाइनली। सो गाइस बजे हैं शाम के 6:30 और जस्ट नाउ अब मैं ऊपर आया हूँ, अब करेंगे 15-20 मिनट का कार्डियो, उसके बाद अपना डेली रूटीन वही कि कार्डियो फिर एब्स फिर उसके बाद हैवी वेट लिफ्ट। आज वेट लिफ्टिंग में, कल मैंने बैक ट्रेन की थी, आज करेंगे भाई। मेरा ना टखना मुड़ गया पैर का, मेरा एक्चुअली कार्डियो करते करते गिर गया तो मेरे पिताजी ने ना इसे नीचे से भेज दिया, अब ना मेरे को अपर बॉडी वेट लिफ्टिंग करने दे रही है सिर्फ एक टखने के चक्कर में। मैडम कल तो करने दोगे? कल देखेंगे, आज तो नीचे चलो। यार मैं मोटा का मोटा रह जाऊँगा। ठीक है ये कर लो, फिर नीचे मत आना, यहीं रहो, ये ऊपर रूम है इसी में सोना। धमकी भी ऐसी। अरे अच्छा चल रहा हूँ अम्मा, सामान तो रखने दे। चलो प्लीज सामान रखो। अच्छा सुन, रखो इसको इधर। अरे इतने गंदे हो रहे हो, देखो कितने डर्टी डर्टी हो गए। ये तो है, देखो इसका एक चीज और। चलो इनको बंद है, ये चट्टी उल्टी क्यों है? कच्चा उल्टा पहन, कच्चा उल्टा पहन रखा। दादी का साइड इफेक्ट नंबर 5वां। भाई साहब पहले माँ बाप हाई कमांड रहते हैं फिर घरवाली बन जाती है। मैं जिम कर रहा था, मेरा पैर मुड़ गया, पिताजी बुला रहे इसे, चल जल्दी से। अरे हाँ, मैडम जी ने जिम छुड़वा दिया मेरा। और अभी अभी मैंने पिताजी से, मतलब रितु को पिताजी से कहते सुना कि इनका जिम छुड़वाऊंगी मैं। हाँ पता है मुझे भी थोड़ा पैर कच्चा हो गया यार, बट एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। ठीक है कार्डियो नहीं करूँगा, एक्चुअली हाल थोड़ा बेहाल हो चुका है पैर का, हल्का सा स्वेल भी लग रहा है, बस ये डर है कि कहीं फ्रैक्चर ना आ गया ओवर नाइट पता चलेगा। तो मैं पैर हिल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उतना, उतनी कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल से गर्म पट्टी लगाने से काम बन जाएगा। बट द थिंग इज़ भाई ये जो मैडम है ना हमारी, ये जिम छुड़वा नहीं पीछे लगेगी। वह लिटरली ऊपर आई, कहती है नीचे चलो वरना आज ऊपर ही सोना। मेरा भैया, मेरी घरवाली दोनों मिलके ना मेरे को सिंगल पैक, फैमिली पैक, पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है मैं कार्डियो नहीं करने का, पैर पैर हाथ पे तो लगी है तो थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग कर लूँगा। ये मैडम ना उसमें भी राजी नहीं है, ये चाहती है मैं जिम ही छोड़ दूँ। मैं ये चाहती हूँ जब तक पैर बिल्कुल ठीक नहीं होगा तब तक है। कोई नहीं कार्डियो तो नहीं कर सकता, पैर से कार्डियो होता है। मैडम मैं सामान नीचे ले आऊँगा। हाय गाइस, सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद। हाथ में और पैर में लग गई मेरे चोट और मैडम मेरे को जिम करने के लिए कर रही है मना। ये हमारे रिशु बाबू, रिशु बाबू तो मेरा प्यारा बच्चा है। चाची का क्या है, चाची का क्या बेटा है? चाची का बेटा नहीं है, चाची वो बोल गया कह दे, मैं बोलूँगा नहीं मैं चाचा का प्यारा बच्चा हूँ। सो बस यही है कि आज हाथ में पैर में चोट लगी है, मैडम को कन्विंस कर नहीं पा रहा मैं अभी जिम करने के लिए, कर रही है मना। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय 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 बाय। खाना